जनपद के हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के कटसहरा गांव में मंगलवार को एक मंदिर के पास खेल रहे दो बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। परिजनों ने आसपास काफी तलाश किया लेकिन पता नहीं चलने पर पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस बच्चियों की तलाश में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार कटसहरा गांव के दक्षिण स्थित समय माता मंदिर के पास बाग में दोपहर 2 बजे गाँव के ही इंद्र कुमार के दो बच्चे 10 वर्षीय सुंदरी और 5 वर्ष का लौकुश गाँव में स्थित मंदिर के पास खेल रहे थे। उनके नहीं दिखने पर परिवार के लोग तलाश शुरू कर दिए। काफी तलाश के बाद भी उनका पता नहीं चलने पर मछली मारने गए पिता को इसकी जानकारी दी गई। पीड़ित ने थाने पर पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसके संबंध में SSP दिनेश कुमार प्रभु ने कहा कि बच्चों की तलाश जारी है। सूचना देने वालों को 25,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। उक्त दोनों बच्चों की सकुशल बरामदगी के संबंध में क्षेत्राधिकारी खजनी इंदु प्रभा सिंह ने बुधवार की देर रात दी गई वीडियो बाइट में बताया कि गुमशुदा बच्चों की मां कुछ महीने पहले अपने घर से भागकर किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर दिल्ली में रहने लगी थी। जब पुलिस को जांच के दौरान इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से ट्रेस किया तो बच्चों के मां की लोकेशन दिल्ली के आसपास मिली, जिसकी सूचना तत्काल दिल्ली पुलिस को दी गई। तो दिल्ली पुलिस ने बच्चों को मां सहित थाना कश्मीरी गेट पुलिस ने साकुशल बरामद कर लिया। गोरखपुर पुलिस की टीम बच्चों को वापस लाने के लिए दिल्ली रवाना हो गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए SSP दिनेश कुमार पी तथा CO खजनी इंदु प्रभा सिंह ने कहा, थाना हरपुर गुड़ाक में कटसहरा गांव पड़ता है, वहां पे इंद्र बहादुर नाम के व्यक्ति की दो बच्चे हैं, नाबालिग, एक 10 साल की बच्ची है और एक 5 साल का लड़का है। ये दोनों घर से बाहर निकले खेलने के लिए, उसके बाद टहलते हुए बाजार के और निकल गए और वहां से वापस घर लौट के नहीं आए। 2 बजे घर ना आने पर परिवार वालों ने गांव में ढूंढने के बाद लगभग 7-8 बजे के आसपास थाने पहुंचे। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष, CO और SP साउथ और मैं खुद SSP यहां पे मौके पर मौजूद है। हर एक गली, हर एक घर, हर एक सब जगह ढूंढ रहे हैं। अलग अलग टीम्स गठित करके बच्चों को बरामद करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। घर वालों के द्वारा ये आशंका व्यक्त किया जा रहा है, उनकी जो माँ है जो 6 महीने पहले घर से चली गई थी, उनके द्वारा या उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा बच्चों को बहला फुसला के ले जाने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया है, तत्काल उसमें कार्रवाई किया जा रहा है और जो भी इन बच्चों की बरामदगी के संबंध में कोई भी हेल्पफुल सूचना देंगे उनको 25,000 के रिवार्ड पुलिस देगी। अलग अलग टीम गठित करके पूरी तरह से लगे हुए और जल्द से जल्द बच्चे बरामद किए जाएंगे। कल दिनांक 15/6/21 को थाना हरपुर बुधहट के ग्राम कटसरा निवासी श्री इंद्र बहादुर द्वारा शाम को थाने पर आकर ये सूचना दी गई कि उनके दो बच्चे, एक लड़की नाम सुंदरी उम्र तकरीबन 10 वर्ष और एक लड़का नाम लौकुश उम्र करीब 5 वर्ष दोपहर से ही अपने घर से लापता है। इस सूचना पर थाना हरपुर बुधहट पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए अपनी कार्रवाई शुरू की गई तथा उच्चाधिकारीगणों को भी सूचना दी गई। इस सूचना पर सभी उच्चाधिकारीगण मौके पर आए तथा उनके निर्देशानुसार तत्काल कई टीमें गठित करते हुए वृहद स्तर पर बच्चों की तलाश शुरू की गई तथा परिजनों व रिश्तेदारों से भी गहनता से पूछताछ की गई। इसी पूछताछ के दौरान संज्ञान में आया कि गुमशुदा बच्चों की माँ ने कुछ माह पूर्व घर से भाग कर किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली थी। अन्य एंगल के साथ इस एंगल पर भी कार्रवाई करते हुए हमने उनकी लोकेशन सर्विलांस सेल की मदद से ट्रेस की तो उनकी लोकेशन दिल्ली के आसपास आई। तत्काल ही दिल्ली पुलिस की सहायता से घेराबंदी करते हुए जब उनकी बच्चों की माँ को रोका गया तो बच्चे भी उसके साथ बरामद हुए और उनको थाना कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन पर रोक लिया गया है। यहाँ से हमारी पुलिस रवाना हो गई है और शीघ्र ही उनको लेके सकुशल वापस आएगी।